हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स ब्यूटी बीट्स एंड आई एम प्रियंका। है कि आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक दोस्तों ये होने वाला है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा टीन एज वाली जो गर्ल्स होती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं एंड ऑफिस जाने वाली भी जो गर्ल्स एंड वुमेन होती हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके अंदर एक क्वेश्चन चलता रहता है कि क्या मैं बाहर निकलने के लिए डेली फाउंडेशन लगाऊँ, डेली फाउंडेशन अप्लाई करूँ अपनी स्किन पे? तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है, आप बिल्कुल भी फाउंडेशन डेली बेसिस पे मत लगा के जाइए, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कवरेज की, तो डेली हमें इतना ज़्यादा कवरेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टेंटन है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, सभी जानते होंगे, आप सब लोग जानते होंगे, और काफ़ी सालों से आ रही है ये, काफ़ी पुरानी क्रीम है और इसका मैं आपको रिव्यू दूंगी, प्लस डेमो दूंगी, प्लस कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी आज। और राइट नाउ मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, इवन अ सिंगल थिंग। हाँ, जस्ट मॉइस्चराइज़र लगाया है बस, जो कि कोई भी क्रीम लगाने से पहले जनरली लगाना भी चाहिए। एंड जस्ट लिप बाम लगाया है, लिप बाम मैंने लगाया है ये ब्लू हेवन का लिप बाम। एंड मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने नेविया की क्रीम यूज़ की है, जो मेरी फेवरेट है, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, वही मेरा है। और इसके अलावा मैंने अभी कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया है। आप देख रहे होंगे डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े से, एंड ब्लेमिशेस दिख रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी वाली जो कि 9 ग्राम की है, इसको मैं फिनिश कर चुकी हूँ। एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, ये है दूसरी वाली जो कि 18 ग्राम्स की है, सॉरी माय मिस्टेक, 25 ग्राम्स की नहीं थी वो, 18 ग्राम्स की थी। एंड आफ्टर दैट उसके बाद फिर आती है 50 ग्राम्स की, तो ये वाली है 18 ग्राम्स की और इसका प्राइस है 140 रुपीज़। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी वेबसाइट पे आप जाके चेक करोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको ऑफर मिल ही जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। और इसकी पैकेजिंग भी इस तरीके की लगती है और इसमें लिखा हुआ है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी बीबी प्लस। तो बीबी का मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, ब्लैमिश बाम। और एक्चुअली ये क्या करती है, हमारे जो थोड़े से ब्लैमिशेज होते हैं, थोड़े से जो स्पॉट्स नज़र आते हैं, उनको थोड़ा सा हाइड कर देती है एंड उसको थोड़ा सा इम्प्रूव, हमारा टेक्सचर करने में भी, जो स्किन का टेक्सचर होता है ना, उसको इम्प्रूव करने में थोड़ी हेल्प भी करती है। तो ये आपको मीडियम कवरेज देगी, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हाई कवरेज देगी फाउंडेशन की तरीके से। तो हाई कवरेज भी अगर आपको लगाना चाहते हो तो उसके लिए फाउंडेशन तो है ही अवेलेबल, बट आपको डेली बेसिस पे अगर आपको कुछ करना है, लाइट मेकअप करना है, बहुत ही ईजी गो थ्रू मेकअप करना है, तो जस्ट यू कैन गो विद दिस। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा, आप मेरे वीडियोज़ में देखते होंगे, मैं हमेशा फाउंडेशन नहीं अप्लाई करती हूँ, मैंने कई सारे वीडियोज़ इसका यूज़ करके किए हुए हैं एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड मेरी स्किन टोन पे भी मैच करती है। हाँ, रही बात स्किन टोन की, मैं आपको बता दूँ, इसके पहले सिर्फ एक ही शेड आता था जो कि एवरग्रीन शेड था, जो कि मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए बेस्ट था। तो अब डीपर स्किन टोन वाले क्या करेंगे, उनके लिए तो प्रॉब्लम, वो लोग तो यूज़ कर नहीं सकते इस चीज़ को। तो अब पॉन्ड्स वालों ने थोड़ा सा इनका अपना कह सकते हैं कि उन्होंने अपना इम्प्लीमेंट किया है इस चीज़ पे, इस चीज़ को ध्यान दिया उन्होंने, तो उन्होंने एक मीडियम स्किन टोन वालों के लिए भी, आई मीन डीपर स्किन टोन वालों के लिए भी, एंड डस्की स्किन टोन वालों के लिए भी न्यू लॉन्च कर दी है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें देख सकते हैं आप कि मेरा शेड है ओरिजिनल, एज यू कैन सी। एंड जिनकी मीडियम स्किन टोन वाली जो क्रीम आई है, फेयरनेस क्रीम आई है, उन यहाँ पे मीडियम कलर लिखा हुआ है टैग, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ऊपर से। और पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो पैकेजिंग बिल्कुल सेम है, पहले भी ऐसे ही थी और अभी इसको अप्लाई करना है। जस्ट यू कैन टेक दिस स्मॉल क्वान्टिटी ऑन योर हैंड, दिस मच इज सफिशियंट। एंड मैं इसको अप्लाई कर लूँगी डॉट डॉट करके। एंड राइट नाउ मैं सिर्फ इसी का ही डेमो दिखा रही हूँ, तो मैं उसको एज ए कंसीलर भी यूज़ कर लूँगी अपने आईलेट के ऊपर भी, और मैं अभी अपनी फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी, क्योंकि ना गर्ल्स के लिए इतना मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता है कि वो ब्रशेज एंड
ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल। तो जी हाँ दोस्तों, एंड मैंने पॉन्ड्स की बीबी क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर ली है एज यू कैन सी, और मुझे काफ़ी अच्छा मीडियम कवरेज मिला है इससे और काफ़ी अच्छी लग रही है। आप अपने अकॉर्डिंग बिल्डअप कर सकते हो इसको, और अगर आप और थोड़ा लगाना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई मोर क्वान्टिटी, बट मुझे इतना सफिशेंट लगा फॉर गर्ल्स के लिए। ना इंस्टेंट स्पॉट कवरेज प्रोवाइड करता है, प्लस नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। और आप देख सकते हो कि ना मैंने भी कुछ भी पाउडर सेटिंग नहीं की है, देख सकते हो आप, क्योंकि मैं सिर्फ इसी का डेमो दे रही हूँ तो मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करूँगी। और आप देख सकते हो कि ना थोड़ा सा शीन आ रहा है, थोड़ा सा एक नेचुरल ग्लो टाइप का प्रोवाइड हो रहा है, जैसे कि ये क्लेम कर रहे हैं वैसा ही इन्होंने मुझे कवरेज दिया है। रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा है ना, थोड़ा सा भी इतना सा भी गाइस अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ओवर देयर, ताकि मेरे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हों आप तक सबसे पहले पहुँच सके, वरना आप तक पहुँचेंगे ही नहीं मैं जो भी अपलोड करूँगी अपने वीडियोज़, तो उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।